फाइनली गाइस, तो कल एक और गाड़ी हमारे घर में आने वाली, एक अच्छी सी प्यारी सी, तो मजा ही कुछ और है गाइस। उसका एक्साइटेड ही मैं कुछ और हूँ। 90, 95, 100, तो अभी पता नहीं विंड ब्लास्ट कैसा आ रहा होगा। मेरे ख्याल से तो बहुत सही आना चाहिए, क्योंकि जुगाड़ तो बहुत अच्छा किया है मैंने। अभी नैनो कोमा में है, तो मिलने तो जाना पड़ेगा ना यार, नहीं तो फिर नैनो को भी बुरा लग जाएगा कि मेरे से मिलने भी नहीं आया। रिक्शा वाले का फॉर्म देखो खाली, वो जैसे चला रहा है खाली वो चेक करो। मेरा ऐसी रोड रेज नहीं हो गया था उससे, रिक्शा वाले से। वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। फाइनली मैंने गार्ड लगा दिया है हेलमेट के ऊपर, तो देख सकते हो विंड ब्लास्ट के लिए मैंने थोड़ा कुछ जुगाड़ लगाया है, कुछ इस तरह से जुगाड़ लगा लिया है। मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ इस प्रकार का, क्योंकि मोस्ट ऑफ विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आता था, मैं राइड पे करने जाता था, आराम से 80-90 जाती थी, तो बहुत ही विंड ब्लास्ट आता था। तो अभी मैंने सोचा कि इसको जुगाड़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो मैं जाने वाला था एक राइड पे छोटी सी चेक करने के लिए कि विंड ब्लास्ट आता है कि नहीं आता है। तो अभी हम निकलने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं, तो विंड ब्लास्ट भी आप लोग चेक कर लेना, तो शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगी ये वीडियो विंड ब्लास्ट के लिए। तो अभी हमारे पास है अपाचे, तो अभी इसके ऊपर पूरा माउंट आउंट करते हैं और फिर चलते हैं एक छोटी सी राइड पे। तो अभी टाइम हो चुका है लगभग, ऑलमोस्ट मैं बता दूं तो 9:50 गाइस, 9:50 हो चुके हैं। तो चलते हैं राइड पे एक छोटी सी और चेक करते हैं इसका विंड ब्लास्ट कैसा आ रहा है। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल था GJ01 राइडर में नवे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके भाई को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो मिलते हैं गाइस राइड पे। फाइनल गाइस, तो हम निकल चुके हैं एक छोटी सी राइड पे चेक करने के लिए कि आज हमारा विंड ब्लास्ट कैसा काम कर रहा है। मुझे तो लगता है अब बहुत ही कम यार, ना के बराबर विंड ब्लास्ट आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही मेहनत किया है। रात को मैंने बहुत ही यार, समझ सकते हो यार, बहुत ही मेहनत से वो सुई धागा से मैंने पूरा जुगाड़ लगाया है। तो चेक करते हैं अभी कि इसका विंड ब्लास्ट कैसा आ रहा होगा। जो अभी मेरी आप वॉइस सुन रहे हो, ये मैंने 100 रुपये की ईयरफोन जो आती है ना गाइस, उसकी मैंने इसके अंदर माइक लगाया हुआ है। तो उस हिसाब से आप बताना कि जो वॉइस आ रही है वो कैसी आ रही है, एकदम कंप्लीट आ रही है। खाली एक प्रॉब्लम था खाली, कि जब गाड़ी चलाते हैं तो जो विंड ब्लास्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता था, तो मैंने उसको भी कंट्रोल कर दिया है। तो आप सुन के बताना गाइस कि इसके अंदर जो विंड ब्लास्ट आता था वो पहले से कम हुआ है या नहीं, या कुछ ज़्यादा ही अच्छा आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी सागर की भी एग्ज़ाम चल रही है, तो वो भी अभी राइड पे नहीं आ पाएगा। अब उसका भी कुछ दिन, एक हफ्ते जितने निकल जाएंगे, एक हफ्ते बाद हमसे वो सागर मिलेगा, फिर हम साथ में राइड करने जाएंगे गाइस। फिर अलग ही लेवल है यार, साथ में कोई रहता है तो अलग ही मज़े आते हैं राइड करने के। अभी चेक करो गाइस, अभी हम विंड ब्लास्ट चेक करने आए हैं गाइस। नॉइज़ बिल्कुल आनी नहीं चाहिए, वैसे हल्का फुल्का तो समझ सकते हैं कि हल्का फुल्का आवे तो, बट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो अभी हमारी गाड़ी 80 चल रही, 81 चल रही है, 23, 25, 89, 90, 95, 100, तो अभी पता नहीं विंड ब्लास्ट कैसा आ रहा होगा। मेरे ख्याल से तो बहुत सही आना चाहिए, क्योंकि जुगाड़ तो बहुत अच्छा किया है मैंने, एकदम परफेक्टली वाला आना चाहिए विंड ब्लास्ट। तो अभी हम पहुंच चुके गाइस सोनगी चाली, राइड करते करते 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं घर से। क्या बात है भाई, ऐसा तिरछा बैठ के चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है लग रहा है। जितना हो सका मैंने बहुत ही जुगाड़ मारा है अपने मोटर व्लॉग सेटअप में, खाली एक चीज़ का मैं जुगाड़ नहीं मार सकता, वो चीज़ है स्टेबिलाइजेशन का गाइस। क्योंकि अगर मैं स्टेबिलाइजेशन ऑन किया तो जो अभी आप व्यू देख रहे हो इतना व्यू नहीं आ सकता, पूरा कट जाएगा, हो सकता है खाली आगे का रोड आएगा, और मैं वो चाहता नहीं हूँ गाइस। तो मैं स्टेबिलाइजेशन का काम तो नहीं कर सकता, उसका जुगाड़ नहीं हो सकता मेरे से, बाकी तो मोस्ट ऑफ सब मैंने जुगाड़ कर दिया है। अब उसके लिए तो मेरे को GoPro ही लेना पड़ेगा या फिर Insta360। देख लो पीछे भी, कुछ लोग होते गाइस अपने धुन में ही चलते रहते हैं बस, जैसे कि वो अंकल, चलते रहो, पीछे से जो आएगा ब्रेक मारेगा और तो क्या, ठोक तो देगा नहीं।
और एक बात तो है गाइज, अगर YouTube पे डेली अगर तुम ब्लॉग बनाते हो तो सीधी सी बात है YouTube वाला तुम्हें रिस्पॉन्स देगा, ये तो गारंटी पता चल चुका मेरे को। ये एक हफ्ते तक मैंने एक भी दिन डिले नहीं किया गाइज, रोज के रोज मैंने अपलोड किया है ब्लॉग, तो मुझे रिस्पॉन्स भी वैसा मिल रहा है। सही बात है, YouTube वाला कभी धोखा नहीं करता, ये तो मेरे को पता चल गया। धोखा करते तो हम गाइज, कभी भी डीमोटिवेट होके वीडियोस छोड़ देते बनाना, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप यूट्यूबर हो, अगर सोच रहे हो कि मैं भी यूट्यूब में आऊँ, तो एक चीज़ याद रखना, अगर आप वीडियो बनाने का सोच रहे हो तो भले ही दिन में एक वीडियो डालो, फिर ये मत देखो कि उसके व्यू जा रहे या नहीं जा रहे, बस खाली डालते रहो रोज बस। अब सोलो राइड में हम क्या ही करेंगे यार, सोलो राइड में मज़ा ही नहीं आती। अभी तक मैं सोलो राइड ही करता था वैसे, पर जब से सागर आया तब से यार सोलो राइड करने की इच्छा ही नहीं हो रही मेरी। अब तो आराम से सित्ते रेसी पे अपने बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब तो। तो पहुंच चुके हैं हम नेशनल हैंडलूम गाइस। कितनी ट्रैफिक है देखो, आप बोल नहीं सकते कि ये हाईवे, अहमदाबाद का रिंग रोड है ये, चेक कर लो कितनी ट्रैफिक रहती है यहाँ पे। गाइस हाईवे राइड कैंसिल, हाईवे राइड नहीं करेंगे, मूड मर गया भाई इसको ट्रैफिक को देख के, तो मूड मर गया मेरा। ओ हो, क्या सीन है भाई, क्या ही सीन है, फुल ट्रैफिक। अपना रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे दीदी आराम से, आजकल एक्सीडेंट बहुत होता है दीदी, आराम से चला करो। वाह दीदी वाह, हा भाई दीदी ने बिना पैर रखे गाइस, एक नंबर। तो अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से गैरेज, क्योंकि गैरेज पे ही नैनो पड़ी है हमारी गाड़ी, और अभी नैनो कोमा में है तो मिलने तो जाना पड़ेगा ना यार, नहीं तो फिर नैनो को भी बुरा लग जाएगा कि मेरे से मिलने भी नहीं आया। देखो इसको बोलते हैं कट भाई, रिक्शा वाले का फॉर्म देखो खाली, वो जैसे चला रहा है खाली वो चेक करो। मेरा ऐसी रोड रेज नहीं हो गया था उससे, रिक्शे वाले से जब जा नहीं सकता था, ओवरटेक कर नहीं सकता था, तो क्यों आगे बढ़ा ये। रिएक्शंस यार, रिएक्शंस मिल गया फाइनल गाइस। तो फटाफट से निकलते गैरेज की तरफ, और गैरेज पे अभी हम अपनी नैनो से भी मिल लेते हैं, क्योंकि अब नैनो की जगह कोई और लेने वाला है। फाइनल गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं गैरेज पे, और चेक करो गाइस ये रही हमारी गाड़ी नैनो। तो अभी इसको खोल के देखते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं। कोमा में चली गई है गाइस अभी हमारी गाड़ी, तो कुछ इस तरीके से। भाई साहब, भाई मेरे को इस गाड़ी के अंदर बैठे लगभग लास्ट टाइम मैंने मणिनगर गया था तब बैठा था इसके अंदर, और उस बात को हो चुके हैं 2 हफ्ते गाइस। तो 2 हफ्ते बाद अब मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तो चेक करते हैं गाड़ी का क्या सीन है, चालू करके देखते गाइस। लाइट तो आ रही है, सेल मार के देखते। फाइनली गाइस एक सेल में गाड़ी चालू तो हो गई है, पर इसके अंदर भाई ने बोला है कि इसको चलाने जैसा अभी है नहीं, क्योंकि इस गाड़ी में अगर चला दिया, रेडिएटर का प्रॉब्लम है कुछ, तो रेडिएटर पूरा नया डालना पड़ेगा। अगर इसको मैंने चला दिया गाड़ी, सही बता रहा हूँ, 5 किलोमीटर जाते इसके गाड़ी हीट हो जाएगी वापस से, तो इसके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे गाड़ी में हीट बहुत हो सकती है, तो उसकी वजह से इंजन भी इसका बैठ सकता है। तो अभी इसको गाइस कोमा में ही समझो, इसको अभी कोमा में इसको ठीक होते होते टाइम लग जाएगा काफी। फाइनली गाइस, तो कल एक और गाड़ी हमारे घर में आने वाली, एक अच्छी सी प्यारी सी, तो
मजा ही कुछ और है गाइस, उसका एक्साइटेड ही मैं कुछ और हूँ। तो सीधी सी बात है गाइस, आज तो आज का पूरा दिन पेपर वर्क में जाने वाला है, कल डिलीवरी लेनी है गाड़ी की, तो एक्साइटेड भी मैं हो रहा हूँ कि कब आएगी गाड़ी घर पे। गाइस इस गाड़ी को तो निकालने की कोई इच्छा नहीं है, ये भी गाड़ी घर पे ही रहेगी, क्योंकि ये 45,000 किलोमीटर ही तक घूमी है खाली, ज्यादा घूमी भी नहीं है, इसका इंजन एकदम फ्रेश है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत खर्चा करवा के हो सकता है कि इसकी भी बॉडी चेंज करा दिया जाएगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि भाई तो बोल रहे कि इसका भी बॉडी चेंज करा के इसको भी गाड़ी रखेंगे। और कल तो आ ही रही है गाइस दूसरी गाड़ी। दो हफ्ते से गाड़ी गाइस ऐसी ही पड़ी है, तो गाड़ी की हालत एकदम खराब हो चुकी है, कोई बात नहीं है, वैसे अपने गैरेज पे पड़ी है, अपने ही गैरेज है गाइस, तो पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है। तो अब ऐसा मत समझना कि पुलिस की गाड़ी आई है तो कोई मैटर वैटर हो गया, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो अपने गैरेज है तो गाड़ी काम करवाने आई है पुलिस की, तो ऐसा कुछ मत समझना कि कोई मैटर वैटर हो गया इसलिए पुलिस की गाड़ी आई है यहाँ पे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।